नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हमेशा उनके अनोखे अंदाज के लिए पहचाना जाता है। एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चा में हैं और इस बार उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने नया कारोबार शुरू किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने नया कारोबार शुरू किया है और ये कारोबार अगरबत्ती का है। हम उनके बिजनेस का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि उनका जो ये कारोबार है अगरबत्ती का है, क्योंकि आमतौर पे इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे ज़्यादातर राजनीति में ही लगे रहते हैं, पार्टी को संभालते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने पार्टी को संभालने के साथ साथ, पार्टी में काम करने के साथ साथ बिजनेस की भी शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत है अगरबत्ती के बिजनेस की, जिसका नाम उन्होंने LR लालू राबड़ी राधा कृष्ण नाम से ये बिजनेस की शुरुआत की है, जिसमें LR का मतलब लार्जेस्ट रिच बताया जा रहा है। अक्सर जो और सबसे खासियत ये है इस अगरबत्ती की, जो ये अगरबत्ती है इसमें को तैयार करने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो मंदिर में चढ़ाए गए फूल होते हैं, जो वेस्टेज फूल हो जाते हैं, उन फूलों को एकत्रित करके ही इस जो अगरबत्ती है उसको तैयार किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक तेज प्रताप यादव का दावा है कि उनकी एक अगरबत्ती को जलाने से 10 दिनों तक कमरे में या जहाँ मंदिर में आप जहाँ भी अगर जलाते हैं इस अगरबत्ती को, तो 10 दिनों तक इसकी सुगंध जो है बरकरार रहती है। लालू यादव जब रांची जेल में बंद थे तो तेज प्रताप यादव ने ये अगरबत्ती अपने पिता को दी थी। उनका कहना है कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि ये अगरबत्ती का दाम अभी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसका जो सस्ता रेट पर यह मार्केट में आ जाएगी, ताकि आम लोगों जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको तक भी ये अगरबत्ती पहुँच जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि तेज प्रताप यादव हमेशा मथुरा वृंदावन और काशी में दर्शन के लिए जाने जाते हैं, पहुंचते हैं, दर्शनों उनको मथुरा की गलियों में उनको घूमते देखा जाता है। दर्शन हमें जब भी उनको राजनीति से समय मिलता है तो वो सबसे पहले मथुरा और वृंदावन का रुख करते हैं। यहीं पे उन्होंने इस अगरबत्ती के बारे में सुना था, इसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में जहाँ उनके एक दोस्त की फैक्ट्री में इस तरीके से इको फ्रेंडली कह सकते हैं कि फूलों से अगरबत्ती तैयार की जा रही, तभी तेज प्रताप ने सोचा था कि वो भी इस तरीके की शुरुआत करेंगे। तो अब तेज प्रताप ने अगरबत्ती के काम की शुरुआत कर दी है। जैसा कि आपको भी पता है कि तेज प्रताप राजनीति में भी रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर पार्टी को लीड करने की बात करें तो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ही पार्टी को लीड करते हैं। चुनाव में भी, जैसे विधानसभा में जो पुच्चा का जो चुनाव हुआ था बिहार में बीते दिनों, उसमें भी तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे और तेज प्रताप यादव सहयोगी की भूमिका में नजर आ रहे थे। तो अब तेज प्रताप यादव का ये जो नया बिजनेस है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। से अगरबत्ती से हवन सामग्री से सब हमको लगाव रहता था, तो वृंदावन हम जाते थे तो वहाँ देखते थे इस तरीके का शॉप हुआ करता था अगरबत्ती का, धूप का, परफ्यूम का। तो खुशबू का इस दुनिया में अलग ही एक पहचान होता है, तरह तरह का खुशबू है, अगरूद है, नाग चंपा है, पारिजात है, लेवेंडर है, लेमन ग्रास है, तो बहुत तरीके का फ्रेग्रेंस है जो कि आपको पता भी नहीं है कि कितना तरीके का फ्रेग्रेंस है। और भी नया नया रिसर्च होते रहता है तो नया नया फ्रेग्रेंस आते रहता है। तो अगरबत्ती का जो है कि, और मेन है कि एक हमारा मित्र है जो कि दिल्ली में है, तो उसका अगरबत्ती का फैक्ट्री का हमने विजिट किया, तो फ्लावर से बनाया अगरबत्ती बनाता है वो भी। तो उससे हम इंस्पायर हुए कि जो मंदिर वगैरह जो है, मंदिर हो गया तो जो फूल जो भगवान को चढ़ता है तो वेस्ट में चला जाता है, नदी में, तालाब में, सब जगह वेस्टेज हो जाता है। तो उसको हमने कलेक्ट करवाने का काम किया, कलेक्ट करवा के धूप में सुखा करके उसको पिसवा करके उसका पाउडर तैयार करके और फ्रेग्रेंस वगैरह सब मिला के उसको अगरबत्ती का निर्माण कराने का हमने काम किया अपना यहीं स्टोर पे फैक्ट्री में। ये अगरबत्ती क्या बिहार में पहले नहीं बनता था कि आप? नहीं, पहले इस तरीके का कोई स्कोप नहीं है बिहार में, तो ये बिल्कुल नया है और 6-7 महीना हुआ है इसको ओपन किए हुए स्टोर को, और धीरे धीरे मार्केट पकड़ रहा है अगरबत्ती का। और अगरबत्ती का अलग ही रोज का चीज़ है, रोज पूजा होता है, रोज लोग इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती, बाजार पे भी अगरबत्ती जलता है, तो सारे धर्म, सारे जाति, सारे बिरादरी सबके लिए अगरबत्ती है। इस अगरबत्ती को आपने अपने पिता माता पिता को भी समर्पित किया है और नाम लिख दिया है? नहीं नहीं, नाम जो है ये LR का मतलब क्या, लार्जेस्ट रीच, मतलब लार्जेस्ट हो गया बड़ा चीज उसको, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, तो लार्जेस्ट रीच। अब इस नाम का मायने बहुत से लोग बहुत तरीके का निकालते हैं कि जो भी हम काम शुरुआत करते हैं तो बहुत तरीके का लोग है, कुछ लोग जलने वाले हैं, कुछ लोग हैं मिलने वाले लोग हैं, तो जलने वाले जलते रहते हैं।
जो जलने वाले डिस्क्रिप्शन भी कहा जा रहा है कि एलआर से लालू जी और राबड़ी जी, तो उसमें आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं ना। अब माता पिता के नाम पे रखिए या अपना जो नाम है, अपना जो पसंद आ गया नाम वो नाम है, सब तरीके का इसमें है, खुशबू है, ले जा आप सकते हैं। इस कार्य से कितने संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे बिहार के लोगों को? अगर देखिए बिहार के लोग को पूजा पाठ में ज़्यादा देखेगा, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि होता है, और खासकर गांव गाँव में आप चले जाइए तो ये वैशाली से आए हैं तो ये अगरबत्ती अभी परचेस किए हैं, 9,000 का अगरबत्ती ये परचेस किए हैं, ये अगरबत्ती ले जा रहे हैं अभी, और ये बोल रहे हैं कि हम फ्रेंचाइजी भी लेंगे पूरे वैशाली का, आप हमको दे दीजिए। तो हमने इनको बोला कि ठीक है आप अगरबत्ती ले जाइए, सब तक पहुंचना चाहिए अगरबत्ती, और बहुत सारे लोग का डिमांड भी आता है कि अगरबत्ती का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस रेंज में भी हम अभी आने वाले समय में 20-30 रुपया जो और जो गरीब क्लास के लोग हों वो परचेस कर सकते हैं। तो उस तरीके का भी हमारा योजना है, उस तरीके का अगरबत्ती, और ये केमिकल फ्री अगरबत्ती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, और जो जनरल अगरबत्ती आप जो दुकान वगैरह में जो आता है सब वो सब अगरबत्ती आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आँखों में दर्द होता है, आँख में जलन हो जाता है, और इस अगरबत्ती में क्या है कि एक अगरबत्ती जैसे कि हमारा फेवरेट अगरबत्ती ये है अगरूद, ये अगरूद हमारे पिताजी को भी बहुत पसंद आया था, मैंने गिफ्ट भी किया था जब पिताजी अस्पताल में थे, तो ये अगरूद जो है इसका एक अगरबत्ती आप जलाते हैं तो 10 दिन तक खुशबू आपके घर में रहेगा। हाँ, एक ये अगरूद और एक ये राधा रास बिहारी, ये दोनों हमारा फेवरेट अगरबत्ती है, राधा रास बिहारी। तो ये सब है क्वालिटी, और इसका डब्बा भी अलग है, अलग तरीके से सब अगरबत्तियों से अलग करता है डब्बा, तो कुछ यूनिक कुछ अलग होना चाहिए। हमारे पास चंदन है, चंदन, ये चंदन है, और ये धूप बत्ती है, धूप स्टिक, और ये इत्र वगैरह भी है, सब चीज तो सारे आयुर्वेदिक। हाँ तो नहीं, हाँ सब आयुर्वेदिक है, और जैसे जैसे लोग का यहाँ पे डिमांड आया कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, तो उनके डिमांड के हिसाब से भी हमने हर एक चीज को करने का, ये एक तरीके का रोजगार है जिसको सरकार ने रोजगार से विहीन कर दिया। चल लॉकडाउन में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, बिजनेसमैन का भी नुकसान हो गया, तमाम लोगों का नुकसान हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में एक मात्र यही था कि एलआर राधा कृष्ण अगरबत्ती स्टोर को और फैक्ट्री को चालू किया जाए ताकि लोगों को लघु उद्योग में भी, और सरकार भी इसमें मदद करता है लघु उद्योग में, तो सरकार भी सब्सिडी देता है, सबको मदद करने का काम करता है। तो ये हमारा था कि थॉट कि हम इसको स्टार्ट करें, हम तो हमने स्टार्ट किया और लोगों को रोजगार भी मिला, तो फैक्ट्री में भी 4 लड़के हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं।